हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए SOF ओलंपियाड के बारे में बताने आई हूँ, जिसमें क्लास 3 के सिलेबस एंड सैंपल पेपर को हम देखेंगे। आज का पेपर मैथमेटिक्स का पेपर है। इस एग्जाम के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एग्जाम को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, अप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेंगे, एग्जाम के डेट क्या रहेंगे, एग्जाम का मोड क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, एग्जाम कब होगी, लैंग्वेज क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगी। तो चलिए जानते हैं, एलिजिबिलिटी के अंतर्गत इस एग्जाम को क्लास 1 से 12 तक के कोई भी बच्चे दे सकते हैं, चाहे वह किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वह स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो। एग्जाम लेवल इंटरमीडिएट रहता है और अप्लीकेशन प्रोसेस स्कूल अथॉरिटीज के द्वारा करवाई जाती है, अर्थात यह एग्जाम स्कूलों के द्वारा करवाई जाती है। एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के लिए 3 डेट दी गई है, 22 अक्टूबर 2024, 19 नवंबर 2024 और 12 दिसंबर 2024। इन तीनों डेट में से स्कूल के द्वारा जिस भी डेट को चूज किया जाता है, उसी डेट को उस स्कूल के बच्चों को एग्जाम देना होता है। एग्जाम मोड ऑफलाइन रहेगा, अर्थात बच्चे स्कूल में रहकर इस एग्जाम को दे सकते हैं। फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन 125 रहती है और यह एग्जाम साल में एक बार ही कराई जाती है। लैंग्वेज इसका इंग्लिश रहता है और ड्यूरेशन 1 आवर्स रहते हैं। चलिए अब इसके सिलेबस एंड सैंपल पेपर 2024-25 के लिए हम देख लेंगे। मैथमेटिकल पेपर को 4 भागों में बांटा गया है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शंस। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग भी 10 क्वेश्चंस और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है। अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। इस प्रकार टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं और ड्यूरेशन 1 आवर्स का रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न जो है MCQ टाइप्स का रहता है। आइए अब इसके हम सिलेबस को देख लेते हैं। सेक्शन 1 में रीजनिंग के सिलेबस रहते हैं, पैटर्न, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर एंड फिगर मैट्रिक्स, मिरर इमेज, जियोमेट्रिकल शेप, एम्बेडेड फिगर, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर। सेक्शन 2 में न्यूमरस नंबर नेम्स, नंबर सेंस, 4-डिजिट नंबर, कंप्यूटेशन ऑपरेशन, फ्रैक्शन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर, टाइम, मनी, ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग। मैथ के सिलेबस ऑलमोस्ट वही सिलेबस हैं जो CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड के सिलेबस रहते हैं क्लास 3 के। सेक्शन 3 में सिलेबस एज पर सेक्शन 2 से ही पूछे जाते हैं एंड सेक्शन 4 हायर सेक्शन हो जाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये भी सिलेबस आपके सेक्शन 2 से ही ये सिलेबस भी रहता है, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि SOF ओलंपियाड से जिस भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं, मोर देन आपका मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इन तीनों पेपर में रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ में पूछे जाते हैं, जबकि अदर सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिंदी, GK, इन सभी में आप डायरेक्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चंस रहते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस उन सभी पेपर्स में नहीं रहते हैं। चलिए अब इसके सैंपल पेपर देख लेते हैं। पहला है लॉजिकल रीजनिंग, तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं बताते जाती हूँ आपको कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में जो क्यूब दिए गए हैं, इसको हमें काउंट करके बताना है कितने क्यूब हैं। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, 1, 2, 3 है, लाइनिंग 3 क्यूब्स के हैं, तो इस सेक्शन में हमारे पास 3 क्यूब हो गए, इस सेक्शन में 2 क्यूब्स हो गए और इस सेक्शन में 1 क्यूब्स हो गए। फिर इधर यहाँ पर 2, फिर इस सेक्शन में 2 और फिर ये 1 हो गए। तो यहाँ पर इसको हमको प्लस करना है, 3 + 2 = 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11। तो करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन सी, 11। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द गिवन लेटर आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। इसमें यह वर्ड दिया गया है, इसके अनुसार मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड क्या होगा, कौन सा वर्ड है जो मीनिंगफुल वर्ड में चेंज हो सकता है।
तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं एस सी ए एल ई, ये एक वर्ड बन रहा है इंग्लिश का। इसका नंबर लिख लेते हैं, एस के लिए हो रहा है 4, सी के लिए 3, ए के लिए 2, एल के लिए 5 नंबर आ रहा है और ई के लिए 1। तो ये नंबर है 43251, ये ऑप्शन बी का है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज इज द गिवन फिगर इफ मिरर इज प्लेस अलोंग एम एन। मान लेते हैं ये हमारा मिरर है। मिरर में हमें ये बात याद रखना है, कोई भी इमेज लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये सी दिया गया है, इस इमेज को हमें बताना है कि मिरर इमेज में कैसा दिखेगा। तो सी हमारा उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा। 7 जो है हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, इधर है लेफ्ट है तो राइट में आ जाएगा और पोजीशन इसका उल्टा हो जाएगा। 8 सेम टू सेम हो जाएगा और ए इधर आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है कहाँ बन रहा है, ये हम देखना है। सी 7 8 ए, ये ऑप्शन बी ऑप्शन से मैच हो रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैथमेटिकल रीजनिंग से है। देयर आर टू पॉसिबल रूट डेट अक्षिता कैन टेक द रीच हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस, विच रूट इज शॉर्टर एंड बाई हाउ मच। इसमें बताना है कि दो रूट है जहाँ से अक्षिता अपने स्कूल जा रही हैं, इसमें से कौन सा रूट जो है कम पड़ेगा और कितना अंतर पड़ेगा इस रूट में। चलिए पी रूट हम देख लेते हैं। पी रूट इधर वाले हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो रहा है 2 किलोमीटर एंड 48 मीटर, एंड दूसरा है 3 किलोमीटर एंड 260। तो इसको प्लस करके हमारा आ रहा है 5 किलोमीटर एंड 8, 6 और 4, 10, 1 कैरी ऑन और 2 एंड 3, 5 किलोमीटर एंड 308 मीटर। अब हम ये क्यू वाले ऑप्शंस को देखते हैं, तो ये हमारा आ रहा है 3 किलोमीटर एंड 264 एंड 2 किलोमीटर एंड 280। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 4, 6 और 8 हमारा हो जाएगा 14, 1 कैरी ऑन, 2 और 2 4 और 1 5 और 3 और 2 5। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा रूट चीप पड़ेगा और कितना अंतर आएगा। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 5 और 5 तो ऐसे ही माइनस हो गया, 0 हो गया। 544 में 308 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ गया 14 में से 8 गया 6, 3 ये कट के 1 कैरी ऑन यहाँ चला गया था, 5 में से 3 गया 2, तो 236 यहाँ पर हो रहा है 236 मीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी। पी लॉन्ग डिस्टेंस, पी आपका लेस डिस्टेंस पर रहा है 236। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पी। पी का डायरेक्शन कम हो रहा है एंड 236 मीटर वो क्यू वाले डायरेक्शन से कम आ रहा है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मिसिंग नंबर इज द बॉक्स इज, इस तरह के सवालों को हम इस तरह कर सकते हैं 1, 2, 4, 2 डिवाइडेड 3 इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको x लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरह में ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाता है
1, 2, 4, 2 into 8 divided by 3. 3 से अगर इसको क्रॉस करते हैं तो 3, 4 जा 12, 3, 1 जा 3 और 1 यहाँ पर कैरी ऑन हो जाएगा, तो 12, 3, 4 जा 12. अब यहाँ पर आंसर आ जाता है 4, 1, 4 into 8. इसको अगर हम मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 8, 4 जा 32, 3 carry 1, 8, 1 जा 8 और 3, 11, 8, 4 जा 32 और 1 carry on 33. तो ये ऑप्शंस आपका आ रहा है 3, 3, 1, 2. इसको देख लेते हैं किस में आ रहा है 3, 3, 1, 2 ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर. इस प्रकार इसको हम करेंगे. नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन 5038 एंड 512 इज द प्रोडक्ट ऑफ 443 एंड 8. यहाँ पर ये बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितना है. नंबर 6 क्वेश्चन हम देख रहे हैं. इन दोनों में डिफरेंसेस बताना है, इन दोनों में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें बताना है कौन ग्रेटर देन है, इसमें से कौन ग्रेटर देन है या लेस देन है. तो इस दोनों को अगर हम माइनस करते हैं 5031 माइनस 512. बच्चों इसको माइनस करके खुद देखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 4526 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा आपका 453 मल्टीप्लाई 8. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3624. तो ये हमारा ग्रेटर देन है प्रोडक्ट से. तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर, 6 का ए ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. एवरीडे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है. प्रीति इज रिमेनिंग साइन लैंग्वेज इन स्पेशल स्कूल. सी लर्न 78 साइन इन द फर्स्ट 2 मंथ एंड सी लर्न 112 साइन इन द नेक्स्ट 3 मंथ. हाउ मेनी साइन डिड सी लर्न इन ऑल. इसमें बताया जा रहा है कि प्रीति ने एक साइन लैंग्वेज सीख रही है जो 2 मंथ में 78 सीखी है और नेक्स्ट 3rd मंथ में उन्होंने 112 लैंग्वेज साइन सीखे हैं. तो टोटल उन्होंने कितने सीखे हैं, तो टोटल के लिए इन दोनों को हमें प्लस करना है. 8, 2, 10, 1 carry 1, 7, 1, 8, 1, 9 और 1. तो इसने 190 लैंग्वेज सीखे हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द मीको स्कूल लंच टाइम फ्रॉम 12:12 PM टू 1:20 PM. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लंच टाइम. लंच टाइम का कितना, कितने घंटे का इनका लंच टाइम है. अब देखिए यह 12:15 और 1:20. यह 12:15 से 1 को माइनस करेंगे तो एक घंटे का अंतर यही आ गया 12 और 1. और नेक्स्ट आपका जो हो जाता है 15 में से 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 मिनट्स ये आपके आ जाते हैं. तो ये हो जाता है आपका 1 घंटा 5 मिनट्स. तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका 1 घंटा 5 मिनट्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं. अचीवर सेक्शन से क्वेश्चंस हैं ये. टू ट्रायंगल इज कर टू, एक स्क्वायर दे रहा है एंड नेक्स्ट है आपका जो है 4 ट्रायंगल इज कर टू 1 स्टार. इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल इज कर टू 1 स्टार, यहाँ पर 4 ट्रायंगल इज कर टू 1 स्टार. तो 2 ट्रायंगल यहाँ पे 2 ट्रायंगल इज कर टू 1 स्टार, ठीक है, और 4 ट्रायंगल इज कर टू 1 स्टार. 4 ट्रायंगल इज कर टू 1 स्टार हो रहा है, ठीक है.
तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ट्रू ट्रायंगल, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल इनटू ट्रायंगल इज इक्वल टू स्टार, ठीक है। तो वन स्टार इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, देखें इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल इनटू ट्रायंगल इज इक्वल टू फोर ट्रायंगल। तो इसलिए ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्रॉस हो गया, तो एक ट्रायंगल इज इक्वल टू फोर हो रहा है। तो टू ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पे मान लीजिए हम फोर इंटू फोर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, 16। और यहाँ पे भी हम करते हैं फोर 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 एंड फोर, ये भी हो रहा 16। फोर प्लस फोर एट, एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर 16। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, द नंबर डस स्टार रिप्रेजेंट 16। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड एस रेस्पेक्टिवली, ये नंबर्स दिया गया है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एस प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, मतलब एस एट में कितना जोड़े कि यहाँ पर जीरो आए, तो एस में अगर हम टू प्लस करते हैं ये टेन हो जाएगा, तो इक्वल टू जीरो, यहाँ पर कैरी ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे है 718, एट में से कितना हम जोड़े आर के लिए कि 11 नंबर आए, सेवन के कितना होता है 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पर कितना नंबर जोड़ा जाए कि वो 11 हो जाए। तो इस तरह करके आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 ले लेते हैं r इज इक्वल टू, तो ये 11 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 9 में 3 में कितना हम प्लस करें कि 9 हो जाए, तो 3 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 आने के लिए 2 में कितना प्लस करें, तो 2 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 5 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो गया, 3532। ऑप्शन है हमारा सी में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।